वर्ल्ड 11 के बाद आप क्या समझते हैं कि कोई और टीम भी पाकिस्तान आ सकती है? फौरी तौर पर बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि पाकिस्तान में कोई और भी टीम आ सकती है हॉकी खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस तरह की सरगर्मियों को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए और जो सुपर लीग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुज़िश्ता कई बरस से ये मौजूदा इंतजामिया उसके लिए कोशिशें और काविशें कर रही है उसको अब कमरों से निकालकर फाइलों से निकालकर उसको अमली तौर पर सामने लेकर आना चाहिए। जबकि इनको NOC भी मिल चुका है, सिक्योरिटी की भी जमानत हर तरह से हुकूमती सतह पर और अस्करी सतह पर इनको दी जा चुकी है, तो अब उसको निकालने, उसको फाइलों से निकालने, उसको अमली जामा पहनाएं, उसको खेल के मैदान तक लेकर आएं। और अगर सुपर लीग करवा सकते हैं तो फिर हम आने वाले वक्तों में ये जरूर देख सकते हैं कि उस सुपर लीग के बाद उसके कामयाब इनकार के बाद जरूर पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी हॉकी भी हो सकती है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि 2017 में हमने क्रिकेट में सुपर लीग का पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल करवाया, फिर वर्ल्ड 11 की मेजबानी की, फिर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, 2017 में हमने डेविस कप टाई की मेजबानी की, इस्लामाबाद में स्कॉच के गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आकर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाया, टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट्स का हिस्सा बने। तो हम 2018 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से ये चीजें जरूर दे सकते हैं कि सुपर लीग के इनेकाद के बाद वो पहले उसका इनेकाद करें, फिर उसका कामयाब इनेकाद, और उसके बाद फिर वो उन तमाम चीजों का फायदा किस तरह से उठाते हैं गैर मुल्की टीमों को कायल करने के लिए कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर हॉकी खेले।